भाई मिशन नंबर टू, मिशन पहला ही चल रहा है, एपिसोड नंबर टू। अब ये जा रहे हैं अग्रवाल मिष्ठान भंडार, देखते हैं यहाँ जलेबी मिलती है नहीं। क्या भैया आपको क्या लग रहा है कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है मिलने की? हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। और आज भाई हमारा अहमदाबाद में सेकंड डे है। कल तो हमने बहुत मौज मस्ती कर ली, आज से काम स्टार्ट है। जिस काम के लिए हम स्पेशल आए हैं, एक बार दोबारा बता देता हूँ, हम आए हैं अहमदाबाद का मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट प्लान बनाने, है ना? मेट्रोपॉलिटन रीजनल, पता ये नहीं पता हम करने के आए हैं। मेट्रोपॉलिटन रीजनल प्लान हम बनाने आए हैं, वो भी डेवलपमेंट प्लान ही है एक हिसाब से एवरी, चलो जो भी है। तो उसके लिए आज हमें डेटा कलेक्ट करना है। अभी मैं और अंकुश तो जा ही रहे हैं, युवा कहाँ जा रही है पता नहीं है, मैं और अंकुश जा रहे हैं AMC। तो कैसे मुँह बना के कैसे चल रहा है, क्या हो गया मुँह बना के चल रहा है भाई? रूस गया ना सुबह सुबह, इसके शावर में पानी नहीं आया। तो अभी हम जा रहे हैं AMC, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वहाँ पे जाके हम ये देखेंगे कि जो जो हमें डेटा चाहिए वो वहाँ से मिलने वाला है, जहाँ से मिलने वाला है वो लोग हमें गाइड कर देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। बट उससे पहले एक बार ब्रेकफास्ट करना है, तो पहले चल के ब्रेकफास्ट करते हैं। परेशान हो गए हैं, और अभी हम कुछ दिन हमारे चाय ले रहे हैं। ये चाय वाले भैया, ये चीज़ भी यूनिक ही है यहाँ पे, इसने भी चाय ले ली। भाई जो लोग चाय पीते हैं ना वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस समझते। वैसे मैं ज़्यादा चाय पीता नहीं हूँ, बट जब पूरा दिन तुम थक जाते हो ना काम करके, फिर एक चाय मिल जाए और बाहर बारिश का मौसम हो रहा हो, क्या चाहिए जितने के लिए? अदरक, अदरक तो बहुत गंदा, मज़ा आ जाता है, पूरा आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। मतलब हमें हर जगह की चाय तो हमने नहीं पी, लेकिन ये बोल सकते हैं कि अगर आपको अच्छी चाय पीनी है तो आप अहमदाबाद में पी सकते हो, चाय अच्छी होती है यहाँ पे। इतना बड़ा कप है आपके पास, कप देख लो, लेकिन ये 10 रुपये करते हैं, शुगर, मज़ा आ गया भाई। ये चीज़ यार, एक चीज़ बड़ी बेकार लगी, यहाँ पे लोग ना गुटखा बहुत खाते हैं, मतलब स्पेशली उन्होंने पूरा देखो, ये स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स के यहाँ पे ये लगाया हुआ है। अच्छी चीज़ है वैसे, ये इनिशिएटिव लिया हुआ कि भाई यहाँ लगाया हुआ है, बट उसके बाद भी गुटखे के अवशेष आपको हर जगह कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। टाइम हो गए हैं शाम के 6 बज गए हैं, ऑलमोस्ट 6 बजने वाले हैं, 10 मिनट अभी बजने में। डेटा वगैरह तो हमें कुछ मिला नहीं है भाई, डेटा तो मिला नहीं, क्या सीन है? घूमना ही इम्पोर्टेंट, आपने सिटी घूम लिया, डेटा हम बना लेंगे, डेटा तो खुद भी बना सकते हैं भाई। मतलब आज कहानियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी सुन ली हमने सारी, मतलब स्टोरीज पता लग गया थोड़ा थोड़ा कहाँ क्या है, बट अभी डेटा नहीं मिला है। कल से और पूरी अपनी पावर के साथ जाएंगे हम डेटा कलेक्ट करने, कुछ ना कुछ तो लेके आएंगे। कुछ नहीं मिला तो इस सिटी में इतना घूम लेंगे ना, वैसे ही पता लग जाएगा हमें भाई कहाँ क्या चल रहा है। वही अंकुश वाली बात आ गई कि सिटी में इतना घूम लो कि आपको डेटा लेने की ज़रूरत ही ना पड़े, खुद ही डेटा जनरेट कर लो। ये देखो, अच्छा एक चीज़ और, अहमदाबाद का जो है ना BRTS बहुत फेमस है, ये जो बस जा रही है वो BRTS की है। मतलब इन्होंने, इवेंट दिखाता हूँ, इन्होंने ना अलग से लेन बनाई हुई है, आप देखोगे ना, ये वाली जो लेन है ये, और ये जो बीच की है ये, इसमें बस चलती है BRTS, तो इसमें सिर्फ बस ही चलेगी और कुछ नहीं चलता। ये जो है ये है BRTS ट्रेन, ये इसका बस स्टॉप, और आप ये देख लो ये पूरा साइड्स में पूरा ट्रैफिक है, बट इसमें आपको कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा क्योंकि सिर्फ बस के लिए बनाई हुई है। भाई ये था हमारा वॉक थ्रू रिवर फ्रंट के, जो ऊपर पूरा एक ब्रिज बना हुआ है उस पर, और ये पीछे रिवर फ्रंट, और ये यहाँ पे क्या है फ्रंट,
फ्रंट फ्लावर पार्क, फ्रंट फ्लावर पार्क है पीछे, मतलब काफ़ी अच्छे ग्रीन बफर इन्होंने दिया हुआ है, उसके बाद फिर वो साइकिल ट्रैक वगैरह है, देन उसके बाद रिवर फ्रंट काफ़ी अच्छा है, मतलब पीछे कोई अटल सेतु ब्रिज, मतलब अटल ब्रिज है उसका नाम, जो भी रिसेंटली बना है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल काफ़ी भाई अच्छा लगा मेरे को रिवर फ्रंट जो बनाया हुआ है। आप भी कभी आओ तो घूमोगे, यहाँ तो आओगे आओगे कोई ना, मतलब नहीं भी बताऊँगा तब भी आपको तो आना ही है भाई। ये देख लो, मूवीज़ में ही देखा होगा ऐसे, मैंने तो मूवीज़ में देखा है इस टाइप का, स्कूटी पे तो देखा है मगर ये स्कूटर पे ये पूरा प्रॉपर सिस्टम धमाल वाला मैंने तो रियल लाइफ में पहली बार देखा है। जिसने पहली बार देखा हो कमेंट कर देना फर्स्ट टाइम। भाई ये बंदा ने कम से कम मेरे को 2-3 किलोमीटर पैदल चला लाया, और वहाँ पे कैब का रेट आ रहा था 120 रुपये, और यहाँ पे अभी कितना आ रहा है वहाँ पे यार 160 रुपया। झूठ भाई, बिल्कुल झूठ बोल रहा है, कैब पे नहीं ऑटो का रेट बोल रहा हूँ। ऑटो भाई वहाँ पे 120 रुपये आ रहा था, और यहाँ पे आधा घंटा पैदल चलने के बाद 3 किलोमीटर पैदल चलाया इसने, अब भी उतना ही है। ऑटो आ गया, क्या फ़ायदा हुआ पैदल चलने का, ये अपना ऑटो आ गया पीछे। तो भाई हमें ना हमारे एक भूत सवार हुआ था कल, मैंने आपको बताया था जलेबी खाने का, रात को तो हमें जलेबी मिली नहीं, तो अभी हम फिर से चल दिए जलेबी की तलाश में, क्योंकि हमारे भाई साहब का आज मन कर रहा है फिर से जलेबी खाने का। कल मेरा कर रहा था, आज इसका और मेरा दोनों का कर रहा है, और हमारे में वो एक लड़की है पूर्वा, उसका तो मन कल से ही कर रहा है जलेबी खाने का। तो भाई तो आज हमने ठान लिया कि आज जलेबी खा के ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। फाइनली हम एक दुकान में पहुँचे हैं, वहाँ पे जलेबी हमें मिल सकती है, ये वाली क्या गल चका गए भाई, एक दुकान में आए, उम्मीद करते हैं यहाँ पे हमें जलेबी फाइनली मिल जाएगी खाने को। जलेबी 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 ढूंढते हुए हम, नहीं है भाई, वो कहते हैं ना किस्मत से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता अभी एक आपकी किस्मत नहीं लगता मेरे को, हमारी किस्मत नहीं है, सही कह रहे हैं भैया, अभी कह रहे हैं कि आपकी किस्मत नहीं है। वही लग रहा है भाई, एक दुकान पे लेके आए भैया बेचारे हमें ढूंढ डांड के कहीं से कि यहाँ जलेबी मिल जाएगी, या इन्होंने बोला कि भाई हम तो जलेबी संडे को रखते हैं, गलत दिन आ गए, तो संडे तक तो भैया इंतजार कर नहीं पाएंगे हम यार जलेबी खाने का ना, हमें तो जलेबी पहले खानी है आज, पता है हम कल रात से तड़प रहे हैं जलेबी खाने के लिए। ये जा रहा है अंकुश जलेबी लेने, जलेबी की भूख देख लो, जलेबी सवार हो गई है हमारे दिमाग में, देखो वॉशरूम जाना है कब से, भैया ने वॉशरूम जाना आपको तो मिल नहीं रहा है कहीं पे, वॉशरूम का ही नहीं है कहीं पे, इसलिए मैं उठावल कर रहा हूँ, दबा रहा हूँ ऑटो, भैया का वॉशरूम जाना है, लेकिन भैया अपनी वॉशरूम की प्रायोरिटी ना रखते, हमारी जलेबी की प्रायोरिटी रखी है पहले। यार क्या बात की, आपने दिल खुश कर दिया हमारा भैया, कुछ गया हुआ इसके अंदर ग्वालियर स्ट्रीट, और उम्मीद करते हैं जलेबी लेके ही बाहर आएगा। क्या महंगा बहुत है, 720 रुपये किलो, क्या भाई जलेबी क्यों नहीं लाया, जो 80-90 रुपये किलो मिलनी है, 80-90 रुपये किलो तो नहीं होती, 120 होती है, 120 200 समझ ले, 200 भी नहीं होती भाई मेरे, 100 से लेके स्टार्ट होता है वो, 720 रुपये किलो है। दोबारा बोल कितने रुपये किलो, 720 रुपीज़ पर के जी लेके गया, लेकिन वहाँ पर नहीं मिली इसलिए मैं ग्वालियर दिखाया हूँ। अरे भैया अब हम क्या करें, अब हम बिना जलेबी के रहें क्या, ये तो ग्वालियर का टिकट कट गया 500 रुपये का ग्वालियर का, वहाँ जाके ले लो हमारी भैया, हम अभी मतलब जैसे हमारा जो कॉलेज है दिल्ली में है, तो दिल्ली से आए हैं अहमदाबाद, तो हमारी 500 रुपये की तो टिकट हुई है, तो हमें जलेबी से महंगी टिकट से महंगी जलेबी पड़ जाएगी। उसमें ऐसा क्या चीज है भाई कि तुम कैसे मार रहे हो, भाई मिशन नंबर 2, मिशन पहला ही चल रहा है, एपिसोड नंबर 2, अब ये जा रहे हैं अग्रवाल मिष्ठान भंडार, देखते हैं यहाँ जलेबी मिलती है नहीं, क्या भैया आपको क्या लग रहा है कितने परसेंट पॉसिबिलिटी है मिलने की, 80% इतना कॉन्फिडेंस भाई, भैया ने बोल दिया 80%, अब देखते हैं क्या होता है। गर्मा गर्म जलेबी इमरती, भाई इन्होंने तो लिखा हुआ ऊपर देखो, लिखा तो है गर्म गर्म जलेबी इमरती पधारी लड्डू, पंधारी लड्डू जो भी है, पंधारी लड्डू ये राजस्थान की स्वीट्स होगी मेरे साथ, अग्रवाल राजस्थान का, अग्रवाल राजस्थान भाई यहाँ तो उम्मीद है पूरी। तो भैया ने 80% बोला था, भैया मिल गई जलेबी, मिल गई जलेबी, मिल गई भाई, और यहाँ पे है 220 रुपये किलो, वहाँ कितनी थी 720 रुपये किलो, कितनी किलो आ जाएगी, 7 किलो आ जाएगी, मतलब उतने रेट में, तो 7 किलो नहीं सॉरी 3 किलो, मैथ्स भी तो ख़राब है मेरा। तो भाई फाइनली अब हम जलेबी लेने वाले हैं, जलेबी खाने वाले हैं, जलेबी तो मिल जाएगी। हाँ भाई क्या रेट है, 220 किलो, बात ही नहीं करता भाई ये जलेबी के इतने लालच में आ गए। कितने रुपए किलो थी,
720 रुपये किलो थी। ये क्या पैक हो गई क्या? नहीं बन रही है अपनी जलेबी। कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है, तो आज लग रहा है मेहनत का फल जलेबी होती है। इधर आओ, इधर आ, इधर इधर इधर। ये हमारे भाई साहब हैं, रेट देखना नहीं है भाई। बोल रहा 220 रुपये जलेबी है। जलेबी पैक करा ली, सब कुछ हो गया। हमने कराई 750 ग्राम जलेबी पैक, क्योंकि एक किलो लग रहा था बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और जलेबी के उन्होंने बोला 580 रुपये, क्योंकि भाई जो जलेबी का असली रेट था वो था 680 रुपये किलो। यहाँ भी 680 रुपये किलो। पैक करा ली, देख लिया इसने, 220 रुपये लिखा भी हुआ था उन्होंने, 200 रुपये खम्मा खानी। ये हमारे कैरियर की अभी तक की सबसे महंगी जलेबी है। तो भाई सारा दिन बहुत अच्छा जा रहा था, फिर आई हमारी ज़िंदगी में वापस जो कल शाम को चीज़ आ गई थी, जलेबी। जलेबी मिल नहीं रही थी, जलेबी बहुत संघर्ष किया, यही बताए थे, बहुत संघर्ष किया, जलेबी मिली, बट जलेबी बहुत महंगी मिली। कितनी? 720 रुपये किलो। फिर हमने कहा नहीं भाई, इससे बड़ी ज़्यादा हमें जलेबी खानी नहीं है, बट वो मन में तो था ना कि जलेबी खानी है। फिर हमने एक और जगह ढूंढी, वहाँ पे हमें जलेबी मिली 220 रुपये किलो। जलेबी देखी हमने, ऑर्डर दिया एक किलो जलेबी का। जब हमारी जलेबी पैक हो रही थी, तो उसके बाद भाई हमें लगा कि ये तो ज़्यादा है यार, ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लाइट जला दो। हाँ, आराम से बताते हैं। तो जब हमने पैक कराया ना, हमें लगा यार एक किलो जलेबी भाई ये कौन खाएगा, क्योंकि भाई हमारे पापा ने खिलाई हमें जलेबी ला के ना, हमने खुद खरीद के ज़्यादा जलेबी खाई नहीं है, ना इसने खाई ना मैंने खाई। तो हमने फिर करा कि 750 ग्राम पैक कर दो, 250 ग्राम एक जगह, क्योंकि ऑटो वाले भैया के साथ हमें जलेबी खानी थी, और 500 ग्राम एक जगह, कि यहाँ पर रूम वूम पर ले आएंगे, बाकी सबके साथ खाएंगे। तो जैसे ही भाई ये पेमेंट करने का टाइम आया, तो मैंने इसको ब्रेकेज करके बता दिया भाई 165 रुपये, 165 तुझे पे करने हैं। तो वो बोले 580। हमारे बगल में खड़ी थी एक आंटी, मेरे को लगा आंटी को पेमेंट देनी है 580 रुपये, लेकिन मेरे को ना एक वाइब्स आ गई थी अंदर से कि कुछ तो गड़बड़ है, 580 क्यों, 580 क्यों बोल रहा है। अब बाकी की चीज़ बताएगा ये। हाँ भाई, तो हुआ ऐसा कि जब मैं उतर के गया दुकान में, तो उन्होंने से पूछा कि जलेबी है कि नहीं है, तो वो बोलते हैं है। फिर मैं चले गया देखने कहाँ पे है, तो वहाँ जलेबी का वो रखा होता डब्बा, मतलब जहाँ पे जलेबी रखते हैं, तो जलेबी के जो डब्बा होता है उसके ऊपर लगा था उसका टैग, प्राइस टैग, में लिखा था मखाना कुछ, नाइलोन मखाना करके गुजराती में कुछ लिखा होता, नीचे लिखा है 220 रुपये पर केजी। अब जलेबी के काउंटर, जलेबी के डब्बे में आपने टैग लगाया है 220 रुपये पर केजी का, जलेबी के ऊपर ऊपर लिखा है अपने गुजराती में। अब मुझे लगा 220 रुपये किलो है। अब मैंने इसको फ़ोन कर दिया, भाई 220 रुपये किलो जलेबी है, आ जाए चलते हैं लेते हैं, पैक करते हैं। कितने किलो पैक करने? बोलता एक किलो कर। तो एक किलो पैक बोल दिया मैंने, कर दो। वो लगा बनाने, 15 मिनट से बंदा बना रहा है जलेबी, कर रहा गरम गरम लाल लाल करके, कड़ाके वाली जलेबी होती है ना। अब हो गया जलेबी बन गई, हम लोग अंदर मजे ले रहे हैं, कभी कचौरी देख रहे हैं, वो खा रहे हैं, समोसा खा रहे हैं, फलाना ढमकाना कर रहे हैं। अब आगे पेमेंट की बारी, तो हमने बोला कि 250 ग्राम एक जगह करना है, 700 ग्राम एक जगह करना है, 750। तो जब वो भर रहा था ना डब्बे, एक डब्बा भर गया, आधा किलो डब्बा पूरा फुल जलेबी का। मैं बोलूँ यार ये तो बहुत हो गया, बगल में रखा, फिर 250 ग्राम का डब्बा ये भी फुल हो गया बगल में, एक और डब्बा आना था। मैं, हमने बोला भाई रुको, इतना ही खाने वाले हैं हम लोग, इतने का पैसे कट करो। अब बोला गया पेमेंट का बारी आई, अब हमने काउंट किया, भाई साहब काउंट कर रहे हैं पीछे से, 165 देखो दे रहे हैं। मैं बोला ठीक है, मैं फ़ोन लगा के बैठा। तो बंदा बोलता 585 बस। फिर मैं इसको देखो, वो मैं जलेबी को देखो, ये मुझे देख रहा है, मैं जलेबी को देख रहा था आप काउंटर पे, कि वहाँ रेट क्या चेंज हो गया, कि मैंने 220 क्या क्या 620 पड़ा क्या, मतलब सर वो देखो 220 लिखा हुआ वहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम देखो, नाम के देखो यार, आपने तो जलेबी वाले काउंटर के ऊपर टैग लगाया हुआ 220 का, नाम उसके ऊपर गुजराती में लिखा हुआ है। उसका रिएक्शन ऐसे था कि जलेबी का देखिए 220 रुपए किलो। उसने हमें बोला कि जलेबी तो कहाँ मिलती 220 रुपए की, कहाँ देखी तुमने? ये बंदा बोलता है दिल्ली में देखी है। और भाई माफ़ करो, हम ऐसे बंदा बोल रहा, माफ़ करो भैया, हम चले जाओ या तो है ही नहीं, क्योंकि जलेबी 220 की होती नहीं कहीं भी। मैंने बोला यार ऐसा नहीं है, हिमाचल में मैंने 180-150 रुपये किलो की जलेबी खाई हुई है, इसमें दिल्ली में भी खाई होगी कहीं पर, यहाँ पे रेट 620-680-720 का रेट है, तो थोड़ा वो है।
इतना हुआ, बट हमें क्या था जलेबी तो ले ली थी, हमें पे करना पड़ा क्योंकि एक बार जो मैंने बोले हैं ना हमारे वर्ड्स जो मैंने बोल दिए वो करना पड़ता है तो वैसे वो हुआ लेकिन जब जलेबी खाई ना हमने मज़ा आ गया, वो टेस्ट कुछ लग रहा। लेकिन 580 रुपये फिर भी 580 रुपये है, चल वो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो है ना एक उनकी तरह से गलती भी है, हमारी गलती नहीं है, उनकी तरफ से गलती है कि उन्होंने कुछ और ही टैग लगा दी कहीं और पे सस्ते के चक्कर में, 680 का टैग होना चाहिए, 220 का टैग लगाया और लिखा है गुजराती में, तो हमारी कन्फ्यूजन ये कि हमने गुजराती में उसको पढ़ा नहीं ढंग से, तो बस वहाँ फील हो गया, बस यही है। बाकी जलेबी तो है, बच्चों को खिलाएंगे मज़ा आएगा उनको, उन्होंने कभी खाई नहीं है, अब ये कहीं भी लेंगे ना इनको तो पता है महंगा ही है, उन्हें खाई नहीं होगी, तो हम खिलाएंगे उनको और उनका रिएक्शन आप कहेंगे कर रहे हैं। कैसी लगी आप भी थी अगर तुम्हें भी वो है ना हमारे से सहानुभूति, सहानुभूति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सिंपैथी, सिंपैथी है ना अगर आपको हमारे हालात से, तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना ठीक है। फिर से नहीं अरे यार अब सारे लोग आ गए यहाँ पे, तो चल भाई ये है लड़की जिसका मैं पूरे पूरे दिन से जिक्र कर रहा हूँ ना, जलेबी खानी है भाई, ये जलेबी के पीछे संघर्ष कितना है खा तू बाद में बताएंगे तेरे को। ये बहुत अच्छी है, ये वही है जैसे मुझे पसंद है, कड़क कड़क। ओ कड़क कड़क मैंने क्या किया बोल दिया मैंने। अरे खा लो पहले, खा लो उसको। इसके पीछे की आप भी थी तुम ना व्लॉग में देखना तुम्हें समझ आएगा कि हुआ क्या है हमारे साथ। कहां था स्ट्रगल किया तुमने भाई, ये जलेबी कितनी टेस्टी है। हाउ वाज इट? नाइस। सो नाइस। कैसी भाई? बढ़िया, मजा आ गया। क्या आ गया? और ये मजा हम सबको देना चाहते हैं, देना इसलिए तो लेके आए जलेबी सबके लिए, जलेबी ले तो आए भाई, इसको दे बाकी को भी दे।